वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेहा कौर्मकार और आज मैं बात करने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल में एक और लव रिलेटेड टॉपिक के बारे में। आप लोग बहुत दिनों से एक रिलेशनशिप में हो और लगता है कि आपके पार्टनर आपको पहले जैसा टाइम नहीं देते, फ़ोन नहीं करते, मैसेज नहीं करते, तो आप लोग एक डिस्टेंस आप लोगों में क्रिएट हो रही है एंड आप बहुत टेंशन में आ गए हो। आप पहले मैसेज करते थे, वो तुरंत रिप्लाई दे देते थे, बट अभी आप जब उनको मैसेज करते हो तो ही सेज और शी सेज आई एम बिजी, आई टॉक टू यू लेटर। तो इस सिचुएशन के दो तरीके से इसको हम लोग डाइसेक्ट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अगर आप बहुत दिनों से एक रिलेशनशिप में हो गए हो, रह चुके हो, तो होता है कि यू एंड योर पार्टनर नो ईच अदर आउट एंड आउट एंड बोथ ऑफ यू आर वेरी बिजी एंड देयर इज नथिंग न्यू टू टॉक अबाउट। आप लोग इतने सालों से एक साथ हो और नया क्या है? यू आर अ पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर्स लाइफ एंड ऑब्वियसली उनके फैमिली आपको जानते हैं, आपके फैमिली उनको जानते हैं, तो नया एक्स्ट्रा क्या है आपके लाइफ में? तो इस वजह से भी लग सकता है कि रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव आ गया है, पहले जैसे बातचीत नहीं होती क्योंकि नए टॉपिक्स तो नहीं है ना बात करने के लिए। एक और कारण हो सकता है कि आप ना बहुत अवेलेबल हो गए हो अपने पार्टनर के लिए, कि वो जब भी फ़ोन करता है आप फ़ोन रिसीव कर लेते हो, जब भी आप वो आपको मैसेज करता है वो तो आप ऐसे ही रिप्लाई दे देते हो, जब भी आप नींद से उठते हो आप ही पहले उसको मैसेज करते हो, गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू। ये अच्छी बात है, यू नो, यू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग, द बॉल रोलिंग, बिकॉज यू नो योर पार्टनर इज बिजी, बट समटाइम्स इट सेंड्स आउट द मैसेज दैट यू आर टू फ्री फॉर दैट पर्सन और यू आर टू अवेलेबल। दैट मीन्स के आपके पार्टनर को पता है कि आपको वो जब भी कॉल करेगा या कॉल करेगी आप फ़ोन उठा ही लोगे, उसके मैसेज का रिप्लाई तो आप कर ही दोगे या आप पहले से उसको मैसेज कर ही दोगे, तो इस वजह से वो शायद उतना इंटरेस्ट नहीं लेता हो या लेती हो आपके रिलेशनशिप में। अपने आप को ना थोड़ा एक्सपेंसिव बनाइए, बोलने का मतलब ये है कि भाव, अननेसेसरी भाव मत खाइए, बट आपका भी एक लाइफ है यार, एवरीबडी हैज देयर ओन सेल्फ रेस्पेक्ट, देयर ओन लाइफ। एक बार कॉल करके छोड़ दीजिए, बार बार कॉल मत कीजिए, गिव दैट पर्सन टाइम टू रेस्पॉन्ड। अगर वो रेस्पॉन्ड आज नहीं किया ठीक है, कोई बात नहीं, उसको कल देख लेंगे, कल लेट हिम और हर रेस्पॉन्ड। मैसेज एक बार में मत कीजिए, समटाइम्स लेट योर पार्टनर ऑल्सो मैसेज यू नो कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, दीज लिटल जेस्चर्स मैटर अ लॉट। लेट देम आस्क यू कि आपका दिन कैसा था, ओके, स्पेंड मोर टाइम इम्प्रूविंग योर सेल्फ। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि पहले पहले आपको याद होगा कि जब आप रिलेशनशिप में थे तो आप बहुत एफर्ट्स करते थे अपने स्पेशल पर्सन के साथ उस डेट पे जाने के लिए, एकदम अच्छे से बाल बनाना, मेकअप करना या अच्छा ड्रेस पहनना, बट आजकल आप उतना एफर्ट्स नहीं डालते बिकॉज यू बोथ नो ईच अदर एंड सी रिलेशनशिप में एवरीबडी हैज सीन ईच अदर विदाउट मेकअप एंड रियलिटी में कैसे दिखते हो एंड एवरीथिंग, सो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट you should never stop working on yourself or looking good. Pehle it starts with you, because if you look good and you know, it sets out a message that see, I am working on myself, I am always fit, healthy. To isse aapke partner motivated bhi honge and aap mein wo interest unka barqarar bhi rahega ya rahegi. तो कभी कभी अपना हेयर स्टाइल चेंज कीजिए, हेयर कलर कीजिए, या लाइक यू नो, वर्क आउट डेली, ईट गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, मेक न्यू फ्रेंड्स
And like, you know, have your own circle and give your partner time to miss you. And look, it's so attractive. I always tell all my friends that please, 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 even if you're married, even if you're not married, doesn't matter. Always. When we are in a relationship, or when we get, and then we get a job, or when we get married, we think that, oh my God, I have to give more time to work and marriage, and I don't have to, time for looking good. That is wrong. You should always take out time to look attractive and improve on your looks because you're working so hard to get there. Why wouldn't you? इससे क्या होगा? आपका पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस भी देगा एंड यू विल नॉट हैव टू वर्क. ओके, वर्क के कारण से कभी कभी आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पाते, विच इज अ वेरी जेन्युइन रीजन. ओके, बिकॉज अभी तो ज्यादा काम का प्रेशर हो सकता है, या आप दोनों के बहुत फोकस्ड करियर गोल्स हैं. बहुत अच्छी बात है एंड दैट्स अ वेरी जेन्युइन रीजन ऑल्सो. तो यू शुड ऑल्सो हैव योर ओन करियर गोल्स. ओके, वेरी सेट. एंड किसने बोला है कि करियर एंड लव कैन नॉट गो हैंड इन हैंड? मैंने अपने आसपास में भी देखा है कि इफ यू आर एक्चुअली इंटेंट ऑन लाइक यू नो योर करियर एंड यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड क्लैरिटी ऑफ हु यू वॉन्ट इन योर लाइफ एज योर लाइफ पार्टनर, एवरीथिंग बिकम्स सो मच ईजियर. एंड ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, ये बहुत ही इजिली मेंटेन भी हो जाती है. तो मैं बोलूँगी, यही बोलना चाहती हूँ कि सेट योर आईज ऑन समबडी. जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि वी आर गोइंग टू बी इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, गिव योर बेस्ट 100%, 200%, 300% टू दैट रिलेशनशिप. एंड एट द सेम टाइम गिव दैट इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट टू योर वर्क ऑल्सो. इट इज नॉट रियली दैट डिफिकल्ट. दैट वे यू नो यू विल हैव सिंगल माइंडेड फोकस. सो यू हैव अ लाइफ ऑफ योर ओन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर. ओके, बिकॉज यू नो यू नीड टू हैव अ हॉबी, यू नीड टू हैव अ करियर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर इंडिविजुअल्स. ओके, हम लोगों की कुछ इच्छाएं होती है और हमेशा वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट फिनेंशियली ऑन एनीबडी और लाइक इवन इफ इट्स आर पार्टनर. सो दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट, के हैव योर ओन सोशल सर्कल, योर ओन वर्क लाइफ एंड हैव फोकस ऑन योर पार्टनर ऑल्सो. दैट वे यू विल एंजॉय अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस. आर यू ऑलवेज हैंड पेकिंग योर पार्टनर? मतलब हमेशा खाना खा लिया, नींद से उठ गए, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी क्या? गिव दैट पर्सन स्पेस. ओके, बिकॉज कभी कभी ना हम लोग जब उनको बहुत मैसेज और कॉल करते हैं, दैट पर्सन माइट फील क्लॉस्टर्ड एंड माइट थिंक, अरे ये तो मुझे टाइम ही, मतलब लाइक स्पेस ही नहीं देता यार, स्पेस ही नहीं देती, मुझे ट्रस्ट नहीं करता. तो जस्ट गिव दैट पर्सन स्पेस एंड लाइक यू नो लाइक यू नो दैट दे लव यू, बट एट द सेम टाइम डोंट अपियर जेलस और इन कॉन्स्टेंट नीड ऑफ कंट्रोल और अटेंशन. इससे क्या होती है, आपकी वैल्यू थोड़ी कम जाती है. थोड़ा उनको भी टाइम दो आपको मिस करने का. पहले पहले डू यू रिमेंबर व्हाट आर द रीजंस यू एक्चुअली फेल इन लव विद योर पार्टनर? फॉर लाइक यू नो समबडी मस्ट हैव वेरी गुड बिजनेस एथिक्स, समबडी मस्ट हैव बीन वेरी इंटेलिजेंट, समबडी मस्ट हैव बीन वेरी गुड एट फिटनेस एंड स्टफ. सो यू नो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि डू यू इवन मेक एफर्ट्स टू इम्प्रेस योर पार्टनर और लाइक यू नो अप्रिशिएट योर पार्टनर द सेम वे जैसे आप पहले करते थे? अगर नहीं तो आई थिंक यू शुड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब ना अप्रिसिएशन के ही भूखे प्यासे हैं. और अगर हमको वो अप्रिसिएशन मिल जाती है, वी डोंट रियली नीड मच मोर. अगर आप उनको एनकरेज करते हो, अप्रिशिएट करते हो हमेशा, तो बार बार वेन एवर ही और शी फील्स सो, दैट पर्सन इज बाउंड टू कम बैक टू यू. सो कीप इट इन माइंड. अभी आते हैं सेकेंड सिचुएशन में. फर्स्ट सिचुएशन में मैंने बोला कि रिलेशनशिप बहुत पुरानी हो गई है, आप दोनों में मतलब नया कुछ नहीं है बात करने को, इस वजह से आप लोगों में एक तनाव या डिस्टेंस क्रिएट हो रही है. सेकेंड सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कम टाइम दे रहे हैं क्योंकि आप वो अपने करियर को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो और
आपके साथ ही उनको अपना लाइफ सेट करना है। इसके लिए क्या चाहिए? करियर, एक सेट करियर जिससे आपको वो एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाए। तो अगर आपका सिचुएशन सेकंड वाला सिचुएशन है तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हैं, जो आजकल के ज़माने में ना बहुत कम है। तो अगर आपका कैटेगरी सेकंड कैटेगरी है, मुझे लगता है आपको उनको टाइम देना चाहिए एंड थोड़ा झगड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही और शी इज वर्किंग टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर बोथ ऑफ यू। सो ऑन दिस नोट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल कम बैक विथ मोर एक्साइटिंग वीडियोज। ज़्यादा टेंशन ना लीजिए और वेट कीजिए मेरे नए वीडियो का। बाय।